आओ बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सुरभि पाठमाला भाग चार से पाठ 12, जिसका नाम कांच की आत्मकथा है, के बारे में बताऊंगी। कांच मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस पाठ में इसके जन्म, उत्पत्ति और उपयोग के विषय में जानेंगे। अब मैं ये पाठ आपको समझाने जा रही हूँ। मेघा कांच के गिलास में दूध पी रही थी। उसका छोटा भाई रवि बिस्तर पर उछल रहा था और अचानक जोर से कूद पड़ा। मेघा चौंक कर उधर देखने लगी। घबराहट में गिलास उसके हाथ से गिर गया। गिलास के धरती पर गिरते ही एक जोर की आवाज़ हुई, झन! सारा दूध फर्श पर फैल गया। अभी मम्मी डांटेगी, ये सोचकर भय से मेघा रोने लगी। भय का अर्थ डर। अभी दो दिन पहले ही वह हाथ मारकर दूध गिरा चुकी थी। मेघा ने रोते रोते देखा कि टूटे हुए कांचों से आवाज़ आ रही है। मेघा मत रो, चुप हो जाओ, गलतियां तो हो ही जाती हैं। मेघा हैरानी से कांच की ओर देखने लगी। अब वह रोना भूल गई। कांच के निकट जाकर उसकी आवाज़ सुनने लगी। उसने धीरे से पूछा, क्या कांच बोल सकता है? कांच की आवाज़ आई, क्यों नहीं, बोल तो रहा हूँ। इसमें जो मेघा है, वह अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठी दूध पी रही थी। साथ ही उसका भाई जो है रवि, वो खेल रहा था बिस्तर पर। उसके खेलने से, उछल कूद करने से मेघा ने जो दूध का गिलास पकड़ा हुआ था वो एकदम से उसके हाथ से गिर गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। अब वह दूध जो फैला हुआ था और साथ में गिलास टूटा था, उसे देखकर रोने लगी। उसे डर था कि उसकी मम्मी उसे डांटेगी। कुछ दिन पहले ही उसने एक दूध का गिलास पहले ही गिराया था। जब मेघा रो रही थी तो जो कांच का गिलास टूटा था उसके टुकड़ों से आवाज़ आ रही थी, रो मत, गलतियां तो हो ही जाती हैं। मेघा हैरान थी कि कांच बोल सकता है, तो उसने कांच के टुकड़े के पास जाकर फिर से पूछा, क्या कांच बोल सकता है? तो कांच ने उत्तर दिया, हाँ बोल सकता है। मेघा ने कहा, फिर अपने बारे में कुछ बताओ। कांच ने पूछा, क्या क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? मेघा ने कहा, तुम्हारे बारे में जब कुछ जानना चाहती, सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? तुम्हारा शरीर किस चीज़ से बना है? तुम्हारा क्या क्या उपयोग है आदि। कांच बोला, मेरे जन्म की कहानी हजारों वर्ष पुरानी है। अच्छा सुनो, एक बार कुछ व्यापारी ऊँटों पर अपना सामान लादे रेगिस्तान में लंबी यात्रा कर रहे थे। रात्रि हो जाने पर आगे बढ़ना उचित ना समझकर वे वहीं रुक गए। रात्रि का अर्थ रात। रुक गए। व्यापारियों ने ऊँटों पर से सामान उतारा। कुछ थैलों में नाइट्रो अर्थात सोडा भरा था। ये ईंटों की शक्ल में था। उस समय इसका उपयोग केवल ऊंट रंगने के लिए ही किया जाता था। मेघा ने पूछा, तो क्या ये है नाइट्रोजन जो है, वे लोग ऊंट रंगने के लिए ले जा रहे थे?
कांच ने उत्तर दिया, नहीं, वे लोग उसे व्यापार के लिए ले जा रहे थे। मेघा ने पूछा, फिर क्या हुआ? कांच का एक टुकड़ा बोल उठा, उस समय तक सारे व्यापारी बहुत थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगी हुई थी। खाना बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की ईंटें लगाकर चूल्हा बनाया, आग जलाई और खाना तैयार हुआ। खाना खाकर सभी व्यापारी गहरी नींद में सो गए। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया। मेघा बीच में ही बोल पड़ी, आग जलती हुई क्यों छोड़ दी? तभी इसलिए कि कोई जंगली जानवर उसे ना उस ओर ना आए। कांच बोला, कहानी आगे बढ़ाते हुए कांच ने कहा, सुबह व्यापारी आंखें मलते हुए उठे। जैसे ही उनकी दृष्टि चूल्हे पर पड़ी तो उनके आश्चर्य का हैरानी का ठिकाना ना रहा। चूल्हे में गोल गोल मोती जैसे दाने जगमगा रहे थे। आग के ताप से अर्थात जो अग्नि है, आग है, उसकी गर्मी से सोडा जो था, जिसे हम नाइट्रोजन जो व्यापारियों ने जलता हुआ छोड़ दिया था, गलकर पिघलकर भालू के साथ मिल गया। भालू रेत, सोडा और बालू मिल जाने से मेरा जन्म हुआ। मेघा आश्चर्य और प्रसन्नता से बोल उठी। आश्चर्य, हैरानी, प्रसन्नता, खुशी से, ओह तो ये है तुम्हारे जन्म की कहानी। अच्छा, जरा ये भी बताओ कि तुम कहाँ पैदा हुए थे? आज से लगभग 5,000 साल पहले मिश्र में मेरा जन्म हुआ, कांच ने बताया। कांच के जन्म की कहानी सुनकर मेघा की जिज्ञासा मतलब अर्थात और जानने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा, इस ग्लास के अलावा तुम्हारा उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? कांच बड़े गर्व से बोला, मेरा उपयोग तो आज संसार के कोने कोने में हो रहा है। खाने पीने के बर्तन, बोतलें, खिलौने और दर्पण सभी मेरे ही तो अलग अलग रूप हैं। घरों की खिड़कियों और दरवाजों में भी मेरा प्रयोग होता है। यहाँ तक कि कारों, स्कूटरों तथा बसों आदि में भी मैं लगाया जाता हूँ। आजकल तो मेरा एक विशेष रूप भी है। वह कौन सा? मेघा आश्चर्य से बोली, मेरा वह रूप बुलेट प्रूफ कांच के नाम से जाना जाता है, जो विशिष्ट व्यक्तियों जैसे VIP, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उन्हें हम VIP कहते हैं, की गाड़ियों में लगाया जाता है। मेघा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी। जाकर पहले तुम अपना होमवर्क पूरा करो। कांच मेघा से ये सारी बातें कह रहा है और उसे अपना घर का काम करने के लिए, स्कूल से जो मिला हुआ है उसे करने के लिए कहता है। कांच ने कहा, मेघा कांच की बात मानते हुए दूसरे कमरे में अपना होमवर्क करने चली गई। धन्यवाद।